दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को देना चाहता हूं। आज हमने जीपीएस में विभिन्न प्रांतों की झांकियां बनाई हैं। हर एक क्लास एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। उस स्टेट का कल्चर, लैंग्वेज, फूड, ऑल द थिंग्स, मतलब आर एम इज इंटीग्रिटी, विभिन्नता में एकता देश की दिखाना चाहते हैं और देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आज़ादी काफ़ी बलिदानों के बाद मिली है और देश के इस बलिदानों को व्यर्थ ना करें। देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब मिलकर देश का विकास करें। अपील यही, देश के विकास के लिए हम सभी को जाति पाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठ के सोचना चाहिए ताकि देश का विकास हो। रंजीत भाटिया, मैं चेयरमैन हूँ जीपीएस गोविंदगढ़ पब्लिक स्कूल का। आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और हमारे बच्चे क्लास सिक्स और टेंथ के बच्चे 29 स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके कल्चर को, उनके फूड को, उनके फोक डांसेस को, उनके इम्पोर्टेंट प्लेसेस को, उनके इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को। और मैं सब बच्चों की मेहनत पे बहुत खुश हूँ और बच्चों ने बहुत मेहनत की है और सारे देशवासियों को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने दे दी कि सारे देशवासियों के लिए आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। ये बड़ी मुश्किल से मिली हुई इंडिपेंडेंस है हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को, और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह भी हमारे हाथ से कोई हमारी गलत कर्मों से खराब ना हो ये इंडिपेंडेंस मिली हुई। और सारे जाने बहुत मेहनत करें अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। आज हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बच्चों ने बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई है। हर एक स्टेट की एग्जीबिशन लगी हुई है, हर एक स्टेट के कल्चर के बारे में, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में, उसके वहाँ के फोक डांसेस के बारे में बहुत अच्छी एक एग्जीबिशन लगी हुई है, जो कि बहुत ही हमारे को सब ट्रस्टी आए हुए हैं हमारे यहाँ देखने के लिए और भी मेहमान आए हैं जिनको सबको बहुत अच्छी लग रही है। और बस अब अपने देशवासियों को आज इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।